ठीक है 1986 की है, जुलाई की। ये है पराग। ये आज तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कलेक्शन है व्हेन आई वाज हार्डली 2 इयर्स ओल्ड। और अम्मा आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट मैगजीन कौन सी है? सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, YPM व्लॉग्स बैक है एंड भाई वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। फिलहाल ना यार मेरे फेस पे देखो बॉयल्स हो गए हैं। अब केक और पिज़्ज़ा ऐसे ऐसे खाऊंगा तो मतलब होंगे ही ना, क्या कर सकते हैं। और जो मेरे बाल हैं वो हो चुके हैं बड़े। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे मुताबिक अगर जो मेरे बाल हैं मेरे हाथ में ऐसे आ रहे हैं तो वो बड़े हो चुके हैं। तो 15-20 दिन मेरे को हो चुके हैं बाल को कटवाए हुए, तो अब जाना पड़ेगा बाल कटवाने के लिए। किसी दिन देखता हूँ, कल जाऊँगा या परसों जाऊँगा, तो देखता हूँ कि कब जाऊँगा। अब भाई आज की वीडियो में क्या होने वाला, लेट मी टेल यू। जो मेरी मम्मा है ना, मेरे को बहुत दिनों से एक बात बोल रही है कि उनके पास में एक बहुत अच्छी कलेक्शन है विच ही वॉन्ट मी टू कवर इन माई ब्लॉग। तो आपको दिखाता हूँ वो पूरी कलेक्शन किस बारे में है। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंजॉय करके इंटरव्यू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द ब्लॉग। तुम फिलहाल मैं जा रहा हूँ मम्मा के रूम में एंड हेलो मम्मा, क्या देख रहे हो? मैं काबुली वाला ओल्ड मूवी देख रही हूँ। तो मम्मा मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे हो ना कि कोई कलेक्शन उसकी वीडियो बनानी है। अच्छा अच्छा हाँ। उसकी बनानी है मम्मा, चलो वीडियो। अच्छा तो मैं इसको पॉज कर देती हूँ। ठीक है मम्मा, कलेक्शन कौन सी है तो बताओ, वहीं चल के बताती। दिखाओ चलो। तो मम्मा की जो पूरी कलेक्शन है वो है सारी यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मा ये कलेक्शन कह रहे हो, फोटोज वाली कलेक्शन आपकी? हाँ ये तो मेरी ओल्ड कलाज है, कलाज बनाया हुआ है। इसके बारे में मम्मा एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है तो मम्मा अभी कौन सी वीडियो है ये तो बताओ। अभी वीडियो है विजिट टू माय प्रेशियस लाइब्रेरी। ओके दिखाओ मम्मा। जिसमें कि मेरे पास विंटेज क्लासिक्स हैं सारी, कॉमिक बुक्स एंड ऑल। हाँ लाइक चंपक नंदन, यू कैन सी यहाँ पर देख 1980 यस मार्च। तो मम्मा आपके पूरे चाइल्डहुड की सारी हैं बुक्स। हाँ, और ये तो इसमें कौन कौन सी बुक्स के टाइटल्स हैं? 1981 ये पराग है और ये चंपक है, चंदा मामा वगैरह सब होंगे। चंदा मामा ये 1986 की है, जुलाई की। ये है पराग। ओके तो मम्मा पूरी पढ़ते थे आप ये? ये पूरी है, मैंने सब पढ़ी हुई है। ओके तो ये आपके पास हिंदी में ही आती थी उस वक्त? हाँ, और इंग्लिश में भी होती थी? नहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों कलेक्शंस है मेरे पास। ओके कुछ बुक्स हिंदी में है कुछ इंग्लिश में भी है। ओके हाँ, तो ये देखो मतलब मम्मा एक बात बताओ, मतलब आपको इसमें मतलब बहुत ज्यादा क्रेज था ना बुक्स का स्टार्टिंग में, क्योंकि मम्मा अभी मेरे को बोलती है कि जब भी कोई बुक्स मिले तो मेरे लिए लेकर आइए अच्छी सी, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। और मैं देखिए देखो मम्मा की सारी कलेक्शन है फिल्म फेयर एंड ऑल की। ये नंदन है सारी, एक बार मम्मा दिखाना, एक बार ओल्ड विंटेज वही सारी क्लासिक्स हैं। Okay, इसमें अभी भी नई वाली भी है 2012, ठीक है। लेकिन अब जो ओल्ड दिखाने जा रही हूँ वो तो रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर है, ठीक जो है। कि मेरे साथ हैं बचपन से ही, ठीक है। लाइक दिस ये लोटपोट आया करती थी। हाँ जी ये तब की है। तो इनमें वो भी है चाचा चौधरी वगैरह, चाचा चौधरी अभी दिखाऊंगी, वो भी है। वो तो मामू की फेवरेट थी ना? हाँ वो मामू की फेवरेट थी, ये ऐसे पहले ऐसे आती थी। अच्छा और ये नंदन, ये देखो सितंबर। हाँ जी और तो मम्मा मतलब बहुत पुरानी है और मैंने पूरी संभाल के रखी हुई है सारी अपनी। हाँ, बुक्स वगैरह ये देखो बहुत। और मम्मा जब मम्मा फ्री होती है तो मम्मा इनको पढ़ भी लेती हैं अभी आजकल। हाँ, बिल्कुल। और ये भी है सारी, ये सब मेरी नंदन की कलेक्शन है। ओके हाँ और स्टोरीज भी मुझे याद है और बहुत, ये देखो फेब्रुअरी, ठीक है। तो मतलब बहुत पुरानी मम्मा की सारी बुक्स हैं ये जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। जैसे अब आजकल क्रेज चल रहा है टॉयज का, उस समय क्रेज होता था सब बुक्स वगैरह का, है ना मम्मा? यस। और ये है मेरी कलेक्शन गुड हाउसकीपिंग 2008 एंड ये सारी उसी में ही आती है, ठीक है। अभी मैं तेरे को दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। मैं मुझे भी शौक था बुक्स का, पता है आपको, सारी मैं लाता था और पढ़ते आते शौक तो तू वो तो शायद मेरे लिए ही लाता था। नहीं खरीदा था, मैं बस खरीदने का शौक, मैं बस खरीदने का शौक था। फिल्म फेयर भी तूने कितनी लगवा दी थी, ये सारी गुड हाउसकीपिंग की है। अच्छा और इधर है ये मेरी, इसका पार्ट है प्रिवेंशन, ये भी बहुत सारी कॉपीज है मेरे पास। हाँ जी तो ये भी 2009 एंड 5 तो इस तरह से है। देन इसमें कुछ ये वाली दिखाती है, ये फर्स्ट थी जो मुझे मेरे आई थिंक सेकंड बर्थडे पर मिली थी, द टेलीफोन, और मॉस्को के पब्लिशर हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। सी दिस, ये आज तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कलेक्शन है व्हेन आई वाज हार्डली 2 इयर्स ओल्ड, 2 साल की थी। तो मतलब उस समय बहुत होती होगी नई चीज, नई चीज थी, है ना। तो भाई जो मेरी फेवरेट बुक थी ना वो थी जेरोनिमो स्टिल्टन। अगर आपकी भी वही थी तो कमेंट में मिलो और आप सब बताओ मेरे को करके कमेंट की आपकी फेवरेट बुक कौन सी थी। और ये देखो मम्मा की और भी बुक्स हैं फिल्म फेयर। फिल्म फेयर की तो मैं ऐसी फैन हूँ
कि इसकी तो इतनी कॉपीज है मेरे पास में 2004 हमें एक बताइए देखो रेट का डिफरेंस ये उस समय होती थी 35 रुपीस की और अब आज के जमाने में लगभग 100 रुपीस के प्लस ही है ये देखो 2003 देन 1 देन 6 देन 2007 और अभी आती जाएंगी फिल्म जितने फेयर, भी अवार्ड्स हुए 5 देन 7 1997. और ये पता है क्या नानू स्पेशल अरेंज करके देते थे मुझे अच्छा 2000 और सी 93 मतलब बहुत पुरानी पुरानी के वजह से और उसमें थी 15 रुपए की सिर्फ और ये देखो 95 और भी हैं एंड ये देख ये बुक देख के तो सब वो हो जाएंगे ये देखो फेमिना ये जब मिस वर्ल्ड बनी और ये मिस यूनिवर्स बनी हाँ जी तो ये स्पेशल आए थे इश्यूज इन दोनों के ये भी बड़े क्लासिक इश्यूज हैं मेरे पास जो मैंने प्रिजर्व किए हुए हैं तुम्हें आपको मतलब इतना क्या शौक था वैसे मेरे पास कलेक्शन टॉयज की वैसे आपके पास बुक्स की है हाँ मुझे बहुत शौक है ये वोग मतलब लेटेस्ट फैशन और सारा 2008 की है भी तो ये एक और इशू पड़ा है जो कुछ अलग हाँ जो कुछ अलग होते हैं ना वो मैं ऐसे प्रिजर्व कर लेती हूँ ठीक है देन ये वाला एंड देन ये मत इन सब में जो क्रेज है मुझे वो है मेरी चंपक और नंदन ये वोग तो मैं एक बार मेरे को अपनी दिखाओ पुराने जमाने की मैगजीन जो कि सारे आप देखते थे पढ़ते थे और अम्मा आपकी सबसे फेवरेट मैगजीन कौन सी है ये देखो मेरी सबसे फेवरेट चंपक और नंदन अच्छा अनडाउटेडली ये देखो नंदन ठीक है और तो मैं उस समय इनकी क्या होती थी प्राइसिंग एंड ऑल बुक्स की इन पे लिखा ही होगा एक कोई 5 रुपीस और अब कितने की होंगी जो 5 रुपीस की पहले थी अब आई थिंक 100 की होगी ओके एक अब हां ये सब नंदन मतलब बिल्कुल ऐसे इसमें है जो कि आजकल तो मिलता ही नहीं ओके तो ये थी अम्मा की पूरी बुक की कलेक्शन मम्मा बहुत ज्यादा मजा आया वैसे देख के सब कुछ है ना और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये वापस शुरू करे परी कथा जिसकी तो हम वेट करते थे जुलाई में आता था अच्छा। आता अब भी है बट अब इसने अपना वो खो दिया चार्म okay. अब वैसा नहीं आता और ना आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो इसलिए ये लोग भी इतनी एफर्ट्स नहीं करते हैं तो ये दोनों मम्मा की फेवरेट बुक्स हैं फिल्म फेयर और फेमिना मम्मा की वो हैरी बुक्स कहाँ साइकोलॉजी की हाँ साइकोलॉजी की तो अलग लाइब्रेरी है मेरी उसकी भी अलग है और दिन उसकी भी विजिट करवाऊंगी ठीक है वो तो पूरा ऐसे ही वो साइकोलॉजी की बुक्स है अच्छा कलेक्शन है उसमें ओके और कुछ मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ बच्चों को बताओ कि अपने आप को रीडिंग में ज्यादा इंडल्ज करें और आजकल तो वैसे ही इतना टाइम है सबके पास इंटरनेट एंड ऑल हाँ इंटरनेट एंड ऑल में भी आपको इफ यू विल गो देयर एंड टाइप लियो टॉल्स्टॉय तो इतनी सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें आपको लाइफ की फिलोसफी सिखाएंगी जो आपको एडजस्टमेंट सिखाएगी जो आपको मोरालिटी सिखाएगी जो ये बताएगी कि हाउ टू रियलाइज द कंडीशन द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल जो कि आजकल के टाइम में बिल्कुल खत्म हो गया है और ये जो बुक्स हैं ये जीवन जीने की राह सिखाती हैं और है। जितना ज़्यादा ज्ञान क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में जो कि आपसे कोई ले नहीं सकता तो ये मतलब एक ऐसी क्वालिटी है एजुकेशन इससे ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है फिर चाहे वो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो हिंदी है इंग्लिश है या किसी और में हो मेरे पास संस्कृत में भी बहुत सारी बुक्स हैं ओके सो भाई दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग आपने देखा मम्मा का पूरा आज की वीडियो में बुक्स का कलेक्शन है ना मम्मा हाँ तो भाई एक बात वो पीछे देख रहे हो कोलैज इफ यू वांट कि मैं उसे पूरी वीडियो बनाऊं देन कमेंट डाउन बिलो और मम्मा पूरी वीडियो बनवा देंगी ठीक है मम्मा बिल्कुल ठीक और ये वाली फोटो की कब की है ये मामू की मैरिज की अच्छा और वो एक बार पूरा कोलाज देखो मतलब इतना बड़ा कोलाज है ना कि जब ये वाला घर पूरा हो रहा था मैं रिकंस्ट्रक्ट हूँ मैंने बोला था कि ऐसे पूरा बनवाना है कोलाज तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो देन कमेंट डाउन बिलो बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दिन बाय एंड या मैं जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो एंड मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे डेपो स्क्रीन पे दिख रही होगी ठीक है स्टे सेफ स्टे होम गुड बाय